हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज है संडे, आज मैं अपना फुल ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। एंड संडे है तो आज मेरे भाई की छुट्टी रहती है ना, इसलिए हम लोग सब लोग जा रहे हैं। नहीं तो मंडे टू सैटरडे कोई भी छुट्टी नहीं होती है, और हम लोग यहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से बहुत डिस्टेंस है, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो अकेले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम लोग सोच रहे हैं साथ में ही जाते हैं, तो इसलिए हम लोग संडे को ही प्लानिंग करते हैं। कुछ भी अगर करना है तो संडे को ही प्लानिंग करते हैं। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, और हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी, और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरा होम टाउन है और बहुत पहले मैं गई हूँ यहाँ। जो भी कुछ है, 5 ईयर्स 6 ईयर्स से मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि हमेशा 2 से 3 डेज़ के लिए आती हूँ ना, तो हो नहीं पाता, हमेशा पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि सब जगह घूम लूँ, आऊँ भी, अपना सारा वर्क भी कर लूँ, क्योंकि हमेशा किसी न किसी इंटेंशन से ही आती हूँ। कभी छठ के लिए आती हूँ, कभी होली के लिए आती हूँ, तो 3 to 4 डेज़ से ज़्यादा नहीं स्टे कर पाती, बिकॉज सबका ड्यूटी होता है, मेरे हस्बैंड का भी ड्यूटी होता है, और मेरी ड्यूटी के हिसाब से ही आती जाती हूँ। और बहुत दिनों के बाद आफ्टर 2 ईयर्स मैं यहाँ 20 डेज से हूँ, तो अभी 15 डेज हुआ है, 15 डेज 5 डेज और रहने वाली हूँ। तो मेरा भाई बोल रहा था चलो मतलब बोधगया घूमते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया बोधगया घूमे। मुझे याद है मैं शादी करके जब आई थी, तो जब लौट के ससुराल से आई थी, तो फिर सिर्फ एक दिन के लिए गई थी घूमने। उसमें मुझे बोधगया भी घूमना था, राजगीर भी घूमना था, नालंदा भी घूमना था, तो हो नहीं पाया था अच्छे से, नहीं बस मेन मंदिर में गई थी जो हाँ जब सबसे फेमस मंदिर है बोधगया का, बस वहीं जा पाई थी और कहीं नहीं गई थी, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत जगह कवर करना था ना, इसलिए बस ऐसे ही गई थी। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं, मैं नहा धो ली हूँ, संडे है तो अभी खाना नहीं हुआ है, मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट करके जा रहे हैं, और बाकी सब कुछ वहीं करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में ही मज़ा आता है, क्योंकि ठंड है तो बहुत छोटा करता है दिन, बहुत पूरा दिन कैसे निकल जाता पता नहीं चलता, बहुत छोटा करता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था 11 बजे तक निकलना है, बट अभी 10 बजा है, हम लोग सब लोग नहा धो लिए, बस खाने की मतलब खाना है और आरू को रेडी करना है, खुद रेडी होना जाना है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ बोधगया, दिखाती हूँ कैसा होता है बोधगया, कैसा बहुत फेमस मंदिर है, बाहर से लोग आते घूमने, वर्ल्ड के सारे जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी कंट्री होती है ना, जापानीज चाइनीज सारे लोग यहाँ आते हैं। तो मैं भी आप जा रही हूँ और आपको साथ में ले जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ बोधगया का बहुत ही फेमस मंदिर। बहुत ज़्यादा तो मंदिर में नहीं घूमेंगे, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा है वह बोधगया, और पॉसिबल नहीं हो पाता है ना कि सब चीज़ आप कवर कर पाओ, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मंदिर तो कवर नहीं कर पाएंगे, वहाँ बहुत मंदिर है, सारा मंदिर घूमना पॉसिबल नहीं है, पर जो मेन मंदिर होता है वहाँ हम लोग जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। और बहुत जगह तो फ़ोन अलाउड भी नहीं है, तो जहाँ जहाँ अलाउड नहीं होगा मैं वहाँ तो नहीं कर पाऊँगी शूट, बट जहाँ अलाउ है वहाँ आपको ज़रूर दिखाऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी, एंड बहुत मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून एंड मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखा कीजिए, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग्स होते हैं, एंड अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट के जरूर थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग रेडी होते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये है हमारी कार जिससे हम लोग जाने वाले हैं, और ये है मेरा माइकी का जो घर है उसका ये मेन गेट है, यहीं से कार निकलती है हमेशा, और हम लोग रेडी हैं जाने के लिए, और मेरा भाई ही ड्राइव करता है, और बहुत नज़दीक है हमारे घर से, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, विद इन 5 या 10 मिनट्स के अंदर हम लोग पहुँच चुके हैं, बस पार्किंग एरिया हम लोग को ढूंढना है, वहीं गाड़ी को पार्क करना है।
मैं बैठी हुई हूँ, मेरी माँ बैठी हुई है और मेरी भाभी बैठी हुई है। मेरे भाभी की गोद में मेरी आरू है और मेरी गोद में मेरी भतीजी है। तो यहाँ आप कहीं भी कार पार्क नहीं कर सकते हो, और हाँ आप एक मंदिर के क्लोज बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हो। एक पार्किंग एरिया है, आपको बिल्कुल रूल रेगुलेशन के बीच में रहना है, फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन बन गई है। पहले इतना कुछ नहीं था बट अब बहुत सारे रूल्स बन चुके हैं। यहाँ तिब्बत मार्केट भी लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको वो दिखाया। हम लोग लास्ट में यहाँ आएंगे, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें मुझे हम लोगों को खरीदनी नहीं थी। हम लोग का मेन व्यू था घूमने का, तो वो अगर टाइम मिलेगा तो लास्ट में तिब्बत मार्केट बोधगया में लगता है, जो बाहर से आते हैं अपने ऊनी कपड़े, स्टॉल, सॉल, टोपी सब कुछ रखते हैं, तो वहाँ जाने का है अगर टाइम बचा तो। ये हमारा पार्किंग एरिया जोन है, यहीं पे कार पार्क होते हैं। बाहर के जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं वो सारे अपने कार या बसेस, जो भी लोग आते हैं बाहर बाहर से, सारे तिब्बत से आते हैं, चाइनीज़ आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। बोधगया तो ऑल मतलब इतना ज़्यादा फेमस है, बहुत 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 ज़्यादा फेमस है, सारे लोग जानते हैं, दूर दूर की कंट्री से लोग आते हैं। तो बोधगया तो बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। तो बस हम लोग का कार पार्क हो चुका है और हम लोग निकल रहे हैं। जो भी स्वेटर शॉल है वो हम लोग साथ में कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। दोपहर हो जाने के बाद आप जब टहल टहल के घूमोगे ना तो आपको गर्मी लगने लगेगी। तो हम लोगों ने फाइनली ऑटो लिया है, ये वाला रिक्शा, ई रिक्शा, और उससे थोड़ा डिस्टेंस था तो हम लोग जा रहे थे। और हम लोग मॉर्निंग में निकले ना, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा, हम लोग मॉर्निंग में चाय नहीं पी पाए थे, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग चाय पर फोकस कर रहे थे। यहाँ बहुत सुनते हैं कहीं कहीं पर बहुत फेमस चाय है, तो हम लोग सोचे चलो एक बार चाय भी पी लेते हैं, क्योंकि फिर तो लौटते समय ध्यान रहे या ना रहे, तो हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। और ये देखिए मेरी माँ को तो क्या होता है ना, मेरी माँ को बिना चाय के बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। कहीं भी घूमना फिरना हो पहले चाय पी लो। तो घर से हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहे थे तो हम लोग चाय पीना ही भूल गए थे। तो यहाँ पे कुल्हड़ की चाय मिल रही थी, तो मेरी माँ बोले चलो यहीं पहले हम लोग चाय पी लेते। मेरे भाई को भी बहुत मन होता है क्योंकि उसको चाय बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं ना पीऊँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो एक टाइम तो एकदम सुबह में लेमन टी और सेकेंड टाइम में मैं मिल्क टी लेती हूँ। तो वही हम लोग मिल्क टी ले रहे, लेमन टी हम लोग ले चुके थे। तो यहाँ पे कैमल था, तो हम लोग बहुत, मेरे बच्चे तो देख के इतने एक्साइटेड हो गए थे, दोनों बच्चे फुल एक्साइटमेंट का नेक्स्ट लेवल का था। तो आगे आ गई थी और पॉपकॉर्न ले रही थी, क्योंकि इसको पॉपकॉर्न लेते अभी रुक जाओ चाय पी रहे थे। तो चाय पीने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी मैं सबसे फर्स्ट मंदिर कहाँ जाती हूँ। तो ये देखिए सबसे फर्स्ट मंदिर हम लोग यहीं जा रहे थे। हम लोग को कुछ पता नहीं था कि अभी बोध का क्या हाल है। हम लोग एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग ऐसे घूमेंगे वैसे घूमेंगे, बट फर्स्ट मंदिर में ही सारा चिकना चूर हो गया, क्योंकि हम लोग को पता चला कि आपको इस मंदिर में आपको क्लोज नहीं जाना है, आपके बैरिकेड किया हुआ था, वहीं पर आपको स्टे करना है, वहीं से आप फ़ोटो क्लिक करो, जो भी आपको देखना है वहीं से करना होता है। तो देखिए देखिए दोनों बच्चे को पकड़ के मैं ले जा रही हूँ। और क्या हुआ ना, जैसे ही मंदिर पहुँचे तो पता चला कि यार इसके अंदर नहीं जाना है, नहीं तो हम लोग बिल्कुल पास से ही, ये 80 फीट का मंदिर है, बुद्ध भगवान जो है ना वो 80 फीट के, मतलब जो लंबाई है वो 80 फीट का है। बहुत मन उदास हो गया, क्योंकि हम लोग लगा था कि हम लोग पास में जाएंगे। जो आप देख रहे हो एरिया, ये तो घूमने का है, वहाँ पर अगरबत्ती जलाने का रहता है, बट बैरिकेटिंग की हुई थी, वहीं पर से आपको देखना है। तो हम लोग को थोड़ा सा बहुत मन उदास हो गया कि चलो भाई कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो आगे घूमेंगे, बट कोई बात नहीं, यहाँ से सब लोग यहीं पर से देख रहे थे, फ़ोटो क्लिक्स हो रहे थे, तो आप भी देखो और इन्जॉय करो। सब कुछ देख लेने के बाद, क्योंकि अंदर जाना था नहीं तो हम लोग बस बाहर से ही घूम लिए और फ़ोटो वगैरह क्लिक हो चुका है और हम लोग बस बाहर निकल रहे हैं। हम लोग बहुत हंसी आ रही थी हम लोगों को कि हम लोग कितना एक्सपेक्ट करके आए थे यार ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। 80 फीट का जो भगवान का जो प्रतिमा है ना, उसको क्लोज से आप छू सकते हो, नीचे से आप छू सकते हो, आप बिल्कुल पास से जाके देख सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी आरू को बहुत मन था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इसको लेकर आई थी, सोचो ये भी देखेगी इंजॉय करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग कुछ देर
फिर वहीं पे स्टे किए 10 मिनट, क्योंकि माँ बहुत थक जाती है जल्दी जल्दी। तो वहाँ पे सीढ़ी था, वहीं पे सारे लोग बैठे हुए थे, हम लोग भी वहीं पे बैठ के इंजॉय कर रहे थे। और फिर हम लोग का हुआ कि चलो सेकेंड मंदिर जाते हैं। हम लोगों को वहाँ पे एक गाइड जो था बताया ओनली 4 मंदिर खुला हुआ था, बस सिर्फ 4 मंदिर खुला हुआ है, बाकी सब कोरोना काल से जो बंद हुआ है अभी तक से नहीं खुला है। तो हम लोग एकदम अपसेट हो गए कि अरे यार किस लिए आए थे जब कुछ खुला ही नहीं है। तो वो बोला सिर्फ 4 ही मंदिर में भीड़ लग रहा है, आप वहीं जा सकते हो। और बिल्कुल मास्क वगैरह यहाँ एकदम ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं पहन सकते हो, मास्क एकदम ज़रूरी है। सैनिटाइज़र भी लेके जाना था, तो हम लोग के पास एक सैनिटाइज़र था, बट मास्क सबके पास होना ज़रूरी है। तो ये है सेकेंड मंदिर जहाँ हम लोग आए थे, और ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ एकदम भीड़ नहीं था। तो हम लोग बस ऐसे ही आए, कहीं कुछ था नहीं, तो हम लोग सोचे चलो यहीं भी घूम लेते हैं। तो यहाँ भी बुद्ध भगवान की प्रतिमा है, आप देख सकते हो, और पूरा चारों एरिया में ना एकदम फ्लावर वगैरह लगाए हुए थे। तो हम लोगों को क्या हुआ कि पैर से मतलब अपना जूता उता निकाल लीजिए, उसके बाद अंदर जाना था। तो चलिए मैं भी जा रही हूँ और आपको भी लेकर चल रही हूँ। जो भी कुछ भी मैं देख रही हूँ आपको भी दिखा रही हूँ, आई होप आपको अच्छा लगेगा। घूमने के बाद क्या हुआ ना, हम लोगों ने सोचा चलो अगला जो मंदिर है बहुत ही पास में था वहाँ जाते हैं, वो खुला होगा। तो हम लोग बस वहीं के लिए निकले थे, तो पता चला कि ये भी मंदिर बंद है, ये भी यहाँ भी नहीं आप जा सकते हो बिल्कुल। ये सामने से देखो कोई था ही नहीं, बंद था। तो हम लोग भी बाहर से ही, मैंने सोचा थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक कर लूँ या फिर आपको भी दिखा दूँ कि बिल्कुल बंद है बोधगया, बस 4 मंदिर खुला है। मेन मंदिर में आप जा सकते हो बट वहाँ आपको फ़ोन अलाउ नहीं है। पहले बिल्कुल अलाउ था, बट आपको याद होना चाहिए कि एक बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मेन मंदिर में, तब से वहाँ कुछ भी आप फ़ोन वगैरह लेके नहीं जा सकते हो, सबको आपको जमा करना होता है, उसके बाद ही जाना होता है। तो ये भी बंद था। तो हम लोग सब जा रहे थे, वापस लौट रहे थे, बीच में कुछ गुलगप्पे चाट ये सब खाते हुए हम लोग जा रहे थे, क्योंकि जर्नी बिना ये सब के मज़ा नहीं आता। अरे आप कहीं घूमने जाओ, खाओ पियो नहीं चटपटा चीज़, तो तब तक मन नहीं भरता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ गोलगप्पा। आप देखो सब जगह पुलिस लोग बैठे हुए हैं, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, इधर से नहीं जाना है, उधर से नहीं जाना। देखिए ये भी मंदिर बिल्कुल बंद है, क्योंकि यहाँ भी भीड़ अच्छी खासी लगती थी, तो ये भी मंदिर बंद है। ये देखिए टॉयज वगैरह है। तो हम लोग सोचे कहाँ जाना है, तो चलो भाई, तो पास में यहाँ पे एक म्यूज़ियम था, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और आप भी साथ में चलो देखो यहाँ क्या क्या है। बट ट्विस्ट ये हुआ कि जैसे ही हम लोग टिकट खरीद रहे थे, वहाँ पे हुआ कि आप फ़ोन बिल्कुल नहीं ले जा सकते हो और कोई भी अंदर का फ़ोटो आपको लेकर बाहर नहीं आना है। तो हम लोग बोले ओके नहीं ले जाएंगे, फिर सोचे कि चलो अंदर देखते हैं, अंदर में कोई अगर मना नहीं करेगा तो ले लिया जाएगा। बट यहाँ पर भी पुलिस था, यहाँ पर तो ये गार्ड है, बट ये भी बोल रहे थे कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना, फ़ोन अंदर मत यूज़ करना, आप ग्राउंड तक ही सिर्फ यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपके साथ चल रही हूँ और आपको लेके चल रही हूँ अंदर मैं क्या क्या करती हूँ एंड कितना कुछ कैप्चर कर सकती हूँ। आई होप थोड़ा बहुत ही करूँगी, कर पाऊंगी, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है। तो चलिए चलते हैं साथ में। जाने के बाद हम लोग फिर एक मंदिर में गए जहाँ मैं शादी के बाद आई थी, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी। ये भी मंदिर बंद था एंड हम लोग हमेशा की तरह जैसे अपसेट हो रहे थे वैसे ही हो गए कि चलो ये भी मंदिर बंद है, ये बहुत अच्छी बात है ये भी बंद है। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि जो भी लोग थे वो चले गए हैं, बहुत देर इंतज़ार कर रहे थे, सुने थे कि खुलने वाला है 1-2 घंटे में खुल जाएगा, बट ये मंदिर खुला ही नहीं। तो देखिए बहुत सारी भीड़ आ रही है जा रही है ऐसे ही टहल टहल के, और हम लोग भी ऐसे ही आए, थोड़ी देर सीढ़ी पर बैठ गए क्योंकि आने पर बहुत थक जाता है लोग।
तो मैं तो इतना गुस्सा, मतलब मेरी आरू इतना ज़्यादा गुस्सा है, ये देखिए कैसे बैठी हुई है एकदम गुस्से में, क्योंकि इसको मन था कि हम लोग मंदिर में घूमें और वही हुआ, मंदिर बंद था फिर से हमेशा की तरह। तो मुझे हंसी आ रही थी इससे, जब बोलती थी आरू चलो घूमते हैं तो नहीं नहीं जाना है, सब तो बंद है, सब तो बंद है। तो बस बच्चे लोग को तो जानते हैं कितना एक्साइटमेंट होता है हम। और ये मंदिर बहुत खूबसूरत है, इतना ज़्यादा खूबसूरत था अंदर से, तो ये भी बंद था, तो हम लोग बहुत उदास हो गए। और मेरी आरू देखो कैसे उदास बैठी हुई है। तो बस यहाँ से भी लौटना हो रहा है हम लोगों का, चलिए देखते अब मैं कहाँ जाती हूँ। वहाँ के बाद हम लोग फील्ड में जा रहे थे, यहाँ एक बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ अगर आप एक फ्लावर तोड़ोगे तो 500 आपको पे करना पड़ेगा। तो हम लोग वहीं जा रहे थे क्योंकि आरू का बहुत मन उदास हो गया, तो यहाँ पे झूला था, सीसॉ था, तो ये सब देख के बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो आरू को थोड़ा सा मूड फ्रेश किया जाए, यहाँ चलते हैं। और यहाँ बस खूब मस्ती की आरू, उसका मूड बिल्कुल सही हो गया। और यहाँ से हम लोग एक मेन मंदिर जाना था, बट वहाँ फ़ोन अलाउ था नहीं, तो मैं वहाँ का कुछ भी नहीं शूट कर पाई। तो चलिए देखते हैं आरू क्या क्या करती है, और आप भी देख लो आरू क्या क्या करती है। सो गाइस बस यहीं तक का था हमारा जर्नी, 5:30 हो गया था तो हम लोग निकल गए थे। तो मैं सोचा थोड़ा सा मैं वीडियो बना लेती हूँ, बट कुछ भी बोलने में नहीं बन रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर होने लगता है, जैसे गाड़ी भी बैठो बच्चे कुछ ना कुछ खाने पीने लगते हैं और मैं कुछ भी बात नहीं कर पाई। सो चलिए घर में मिलती हूँ और आपसे ढेर सारी बातें करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मिस्टर एन प्लस। सो फाइनली हम लोग वहाँ से आ चुके हैं और रात में ही आ गए थे क्योंकि बहुत वक्त लग गया था, क्योंकि हर मंदिर में बहुत डिस्टेंस होता है ना। तो हम लोग रात में 7 बजे आए थे और जैसे मंदिर जितना हम लोग एक्सपेक्ट करके गए थे वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे कि कोरोना है उसकी वजह से सारा मंदिर बंद हो गया था, ऑलमोस्ट सारा मंदिर बंद था, ओनली 4 मंदिर खुला हुआ था जिसमें हम लोग घूम सके और बाकी सब बंद था। क्योंकि हुआ क्या है ना, कोरोना की वजह से जो बंद हुआ है वो अभी तक नहीं खुला है, वो अभी तक बंद ही है। और सिर्फ 4 मंदिर था जो खुला हुआ था जिसमें हम लोग जाके देखे, और मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है जो जो मंदिर मैं देखी हूँ जहाँ जहाँ गई हूँ। कुछ मंदिर में तो जाके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ मेन डोर खुला हुआ था और अंदर में जो मंदिर था वो बंद था। तो हम लोग बस बाहर ऐसे ही बैठे, फ़ोटो वोटो क्लिक किया और कुछ खाए पिए और चले आए, ज़्यादा कुछ घूम ही नहीं पाए क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन करके गए थे हम लोगों को लगा था कि कोरोना बहुत टाइम हो गया, हो सकता है खुल गया होगा सारा मंदिर, तो नहीं नहीं खुला था। क्या वारू, तो हम लोगों को लगा था कि सारा मंदिर खुल गया होगा बट खुला ही नहीं था, सारा मंदिर बंद था। और हम लोग बस ऐसे 4 मंदिर घूमे और खाया पिया और बस घर वापस आ गए। बहुत रात हो गया था, मेरा मोबाइल का बैटरी भी बिल्कुल लो हो गया था, तो हम लोग मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई लौटते वक्त का, बट जितना मैंने किया है मैंने उतना ही घूमा था, उससे ज़्यादा मैं घूमी भी नहीं हूँ। और हम लोग 7 बजते घर वापस आ गए थे और बहुत थके हुए थे, इसलिए मैं उस टाइम अपना व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी, तो आज मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो ठीक है, कैसा लगा आप मेरा आपको वो दिया ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ छत पर चढ़ती हूँ ना तो मेरी सांसें फूलने लगती है।
मेरा आदत नहीं है ना, क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, हमेशा मेरा क्वार्टर नीचे में ही है, कहीं सीढ़ी वीढ़ी चढ़ने का ये है नहीं, तो बिल्कुल आदत नहीं है। एकदम चढ़ी उसमें मेरा सांस फूलने लगता है। तो आई होप आप लोग को ये मेरा बोध या व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेक श्योर अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सो ठीक है, तो कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये देखो कैसे फंसा हुआ मेरा। बाय बाय।